हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज मुस्कान एंड आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थ्री जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट इज योर एमसीक्यूज बट इसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ इन हिंदी मीडियम उसके अलावा हम पाँच अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं बिच आर डेली यूपी बिहार एम एंड राजस्थान बोर्ड ई नोट्स एंड ई बुक्स अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक है उसे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं ना लेट स्टार्ट स्टडिंग फाइनली जेंडर रिलीजन एंड कास्ट जितना प्यारा चैप्टर था अपन ने पढ़ा समझा एंड उसके वी हैव ऑल्सो अटेम्पटेड एन सी आर टी सोल्यूशंस अगर उसने आप, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट स्क्रोल अप एंड वॉच दिस दैट वीडियो दैट इज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज सी बी एस ई आपको क्लियरली वो क्वेश्चन मैंडेट करके देखता है कि ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए क्योंकि Uh, बहुत सिनारी ऐसे हुए हैं कि उस क्वेश्चन से तो पूछे ही गए हैं क्वेश्चन या फिर उसको थोड़ा मोल्ड करके ट्विस्ट एंड टर्न टॉपिक सेम है बट उससे क्वेश्चन आए हैं तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आपको फ्रेम करना आंसर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन और अगर को कोई डायग्राम ड्रा, है तो जस्ट टू फेच मोर मार्क्स प्लस एम सी क्यूज को कैसे थिंक करके एलिमिनेशन ऑप्शन निकाल के आपको uh, सोच के करना है तो यू विल गेट अ जस्ट कि क्या कैसे परफॉर्म करने रहता है क्वेश्चन आंसर राउंड यहाँ पे एमसी क्यूस विच इज ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स मतलब एक क्वेश्चन एक ऑप्शन यू नीट टू चूज नो लेट स्टार्ट ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या था फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पहले बता दू मेन एंड वुमेन दोनों को इक्वालिटी देने के लिए था फेमिनिस्ट मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ विमेन को इक्वालिटी देने के लिए नहीं था ये बहुत ही जो आजकल सूडो फेमिनिस्ट आता है ना देर इज अ टर्म कॉल सूडो फेमिनिस्ट दे प्रोपोगेट कि ओनली विमेन शुड गेट मोर रिजर्वेशन या फिर मोर रिप्रेजेंटेशन तो दिस इज रॉन्ग फेमिनिस्ट फेवर कोई भी अगर सिर्फ विमेन को फेवर कर रहा है ना to just tell them that you are not a feminist you are a pseudo feminist because feminism means me men and women dono ki equality to support rights of both okay so first statement radical women's movements aimed at equality in personal and family life second statement agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities थर्ड दे आर व एजुटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन और डी ऑल ऑल ऑफ दू नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ठीक है दे आर ट्वेंटी क्वेश्चन आपको सबके आंसर्स कॉमेंट सेक्शन में लिखना है तभी मजा आएगा एमसीक्यू uh, खेलने का एंड समझाने का ठीक है तो आई गिव यू फाइव सेकेंड्स टू टाइप डाउन यूर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज 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 जो भी वीडियोज देख रहे हैं जस्ट पार्टिसिपेट इन दिस ओके

भी लेने के लिए वोटिंग राइट्स में एक अच्छी बहुत अच्छी डिबेट बताई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो हुई थी कि इंडिया में एक भी थॉट नहीं दिया गया था कि वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिलनी चाहिए व्हेन असेंबली सैट डाउन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे वर वेरी मच श्योर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डिबेट हुई थी कि एवरी शुड गेट अ वोटिंग राइट हु इज अब एटीन ईयर ऑफ एज जिससे हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वेयर एज यूएसए में जो इतना डेवलप नेशन आप बोलते हैं यूएसए में नाइनटीन के बाद आई मीन 1960s, 70s तक डिबेट चलती रही कि विमेन को वोटिंग राइट मिलने चाहिए नहीं अब आप सोचिए कि कौन सा डेवलप नेशन है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई तो आप आंसर लिखिए मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे याद रखना है मैंने जब पढ़ाया था आपको ये वाला चैप्टर देन मैंने मेंशन किया था कि देर आर फाइव स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप करेंगी हर चीज में बीट लो करप्शन रेट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई होएंगी हाई हैप्पीनेस इंडेक्स में हाई होएंगी वाटर प्रो अवेबिलिटी या वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल सिनेरियो सब में टॉप थी कौन पाँच स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अब इन्हें याद कैसे करते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अगर आपके पास वर्ल्ड मैप पास में लगा हो तो यू जस्ट uh, ये यूके है ये आयरलैंड तो यू नीड टू जस्ट वॉच देयर वहां पे जाइए खड़े होइए एंड ऑब्जर्व कीजिए ये चीज ये तीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी ऊपर ये यूरोप है ओके okay? यूरोप में रशिया यहाँ पे है रशिया से बॉर्डर शेयर करती हुई ये तीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी नॉर्थ पोल के पास ठीक है इसे मैंने कैसे याद किया था नेशनल सिक्योरिटी फोर्स एन ऐसे आई रिमेंबर्ड कि एन एस एफ नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया का है उससे आई रिमेंबर्ड नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड सिर्फ एन एस वाला टर्म याद कर लेना और अगर स्वीडन नॉर्वे दिख जाए तो बचा कौन फिनलैंड ठीक है एंड मैंने क्या बोला पांच स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है तीन यहां पे हो गई थ्री प्लस टू बाकी के दो कौन सी हैं डेनमार्क एंड आइसलैंड ओके दीज आर स्कैंडी कंट्रीज विच एक्चुअली टॉप्स द इंडेक्स इन मेनी टर्म्स ओके और बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज आती है इन्हें डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं सो फिनलैंड मीन्स क्या मीन करती है पेट्रियाकल सोसाइटी आंसर लिखो असोसटी डॉमिनेटेड बाय मैन सोसाइटी डॉमिनेट बाय वुमेन सोसाइटी वेयर देर इज इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन ऑफ द अब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मैंने स्टार्टिंग से चिल्ला चिल्ला की इंडिया इज अ पेट्रियाकल नेशन इंडिया हैज पेट्रियाकल सोसाइटी क्या होती है पेट्रीलिनियल पेट्री आर्कल पेट्री लोकल ये सब टर्म्स किससे एसोसिएटेड है पी फॉर पापा एंड पी फॉर पेट्रीआरकी ठीक है तो पी पी से याद रखना की पैट्रियार्की मीन्स अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेन ऐसे याद रखना ठीक है नाउ नेक्स्ट लिटरेसी रेट अमंग विमेन इन इंडिया इज बहुत लो है पहले बता देती हूँ टाइप करिए अगर आपको याद है क्या परसेंटेज था अगर नहीं था तो जस्ट अज्यूम कर लीजिए थोड़ा टफ तो क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये फैक्चुअल कॉन्टेंट है ये रखना पड़ेगा आपको बट फिफ्टीज में था ये बता देती हूँ आंसर देखते हैं फिफ्टी फोर परसेंट इतना एक्यूरेट uh, पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है बट आपको वो सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा तो इसीलिए अपन ने देखा था कि नेशनल एवरेज नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट जो था उससे भी कम था विमेन का लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट तो मतलब विमेन की लिटरेसी एजुकेशन स्टेटस इन इंडिया इज वेरी बैड ओके ओके okay, देख लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन द लिटरेसी रेट मेन इन इंडिया इज अब मेन का देखेंगे का अपन ने क्या देखा जल्दी जल्दी टाइप करो मैं एक्सप्लेन कर पेट्रियाकल सोसाइटी है, है, है उसका एक कारण भी यही है पेट्रियाकल सोसाइटी का दो परसेंट होता चलता बट ये तो पूरा अच्छा खासा परसेंटेज है तो यू नीड टू मेमोराइज दिस डेटा एंड नेशनल एवरेज से ज्यादा है मैन का इलेक्ट्रिसिटी रेट याद रखना ऑन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क डैश मोर देन एवरेज मैन एवरी डे ये आपके चैप्टर में बहुत ही माइन्यूट से एक छोटी सी लाइन मैंशन थी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग माइंड थी कि आपको सोचने में मजबूर कर दे अगर आपको याद है तो जस्ट टाइप दैट आंसर In average, On average an Indian woman works one hour more than an average men every day. Okay? इक्वल रेम्यूनोरेशन एक्टर बहुत ही फैक्चुअल हो गया ईयर <laughs> याद करना पड़ेगा इधर एंड प्रोवाइड्स द इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क क्या था इक्वल रेम्युनोरेशन एक्ट की वुमेन एंड मेल मेल एंड फीमेल अगर एक कंपनी में इंप्लॉयड है तो दोनों को इक्वल वेज मिलना चाहिए अगर वो एक ही काम कर रहे हैं एक ही जॉब उनको असाइन की गई है ठीक है इक्वल रेम्यूनरे अभी कब आया ईयर पूछ रहे हैं विच ईयर टाइप डाउन इफ यू नो द आंसर वनना लेट सी 1976 मतलब इंदिरा गांधी के टाइम आया ये इंदिरा गांधी आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऐसे याद कर सकते हैं कि 1975 में इमरजेंसी आई थी इमरजेंसी लगी थी नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू मैनी फैक्टर्स एंड 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी इक्वल रेमुनरेशन एक्ट लाइन थी ठीक है ऐसे याद कर लीजिए द नेशनल एवरेज ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर थाउजेंड बॉयज इन कंट्री एज पर सेंसस 2011 वाज क्या था फैक्चुअल अगेन चाइल्ड सेक्स रेशो बता रही हूँ कि हर एक वन थाउजेंड मेल चाइल्ड पर कितनी फीमेल चाइल्ड बॉर्न हो रही है ठीक है तो वही कितनी है आपको बताना है कि कितना नेशनल एवरेज है चाइल्ड सेक्स रेशो का ओके चाइल्ड सेक्स रेशो ठीक है टाइप डाउन योर आंसर नाउ लेट सी इट इज नाइन फोर्टीन तो रिमेंबर दिस कि 914 मैंने फैक्चुअल कंटेंट इसलिए लिया है बिकॉज फैक्चुअल कंटेंट को याद ऐसे रटना इज वेरी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ इट्स बोरिंग ऑल्सो तो अगर आप वीडियो देखकर याद करेंगे रीजन्स जो मैं बताऊंगी उससे अगर मेथड से याद करेंगे तो इट्स ईजी ठीक है तो चाइल्ड सेक्स एक्सप्रेशन इंडिया का कितना है नाइन फोर्टीन जो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ओके कहा था लो चाइल्ड सेक्स सेक्स रेशियो लिख लेना है हरियाणा पंजाब राजस्थान आप एक चीज नोटिस करना कि ये वाले सारे जो स्टेट्स है ना देर दे एक्चुअली हैव लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज वेल एंड ये जो स्टेट मेंशन है दे हैव हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग आल्सो क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट नाम से ही समझ आ रहा है कि ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हुआ है उस स्टेट में तो उसके बहुत पैरामीटर्स होते हैं जैसे एजुकेशन हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया एंड अदर थिंग्स आल्सो तो उसके अकॉर्डिंग एक इंडेक्स बनता है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को प्लेस किया जाता है कि ये स्टेट

डेवलपमेंट इंडेक्स है और कौन सा स्टेट्स है वो हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी मध्यप्रदेश कम एन का ठीक है टेन परसेंट ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन बताओ कौन सा इन विच इयर द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा हेट क्रॉस टेन परसेंट ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम It was in 2009. 10% mark भी अपन ने 2009 में cross किया। मतलब it was very late, ठीक है? Now the world average of women's representation in national parliaments across different regions of the world is world average मैंने अभी बताया था कि एक graph है। नहीं बताया था तो देख लीजिए। ये world average ऐसा वो ये आपका मैप है, ये ग्राफ मेंशन है आपके बुक में बुक से ही क्वेश्चन आया है ठीक है मैंने बाहर से नहीं उठाया वर्ल्ड एवरेज करके एक सर्कल पे पे बना था और यहां पे एक परसेंटेज uh, मेंशन था वो फाउंड करना है टॉप पे कौन सी थी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिन बहुत वर्ल्ड एवरेज से बहुत हाई पे थी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अभी बताया मैंने पांच आती है कंट्रीज फिर यूरोप एंड यूएसए था जो देवर क्रॉसिंग द वर्ल्ड एवरेज फिर आता था सब सहारन अरब स्टेट्स जो कम थे वर्ल्ड एवरेज से नीचे पांच परसेंट पे इंडिया ठीक है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वर्ल्ड एवरेज बताना है कितना है अराउंड दिया है मतलब श्योरिटी नहीं ट्वेंटीज में था समथिंग इफ यू रिमेंबर ट्वेंटीज में तो यहां अराउंड नाइनटीन परसेंट दिया है बाकी सारे बहुत ही हाई है तो अगर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री परसेंटेज अज्यूम कर लेते हैं कितना जो भी है तो दैट इज मोर नियर टू नाइनटीन परसेंट तो अराउंड नाइनटीन परसेंट क्वेश्चन डैश रीजन हैज द दाइएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल पार्लियामेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है मैंने आपको जब पढ़ा रही थी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो मैंने बोला था कि एक और टर्म अभी मैंने ग्राफ मेंशन किया था टाइप डन आंसर्स जो स्कैंडिनेवियन है ना उन्हें नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज और मैंने क्या बताया था कितनी है पांच है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिन्हें नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं कैसे याद करी थी एनएसएफ नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया नहीं नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड ठीक है नॉर्थ एसड नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड आर ऑल्सो नोन एज नॉर्थिक कंट्रीज क्योंकि नॉर्थ पोल के पास लोकेटेड है एंड देअोर आई है हाइएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन इन द नेशनल पार्लियामेंट ये पिछला जो ग्राफ मैंने पढ़ाया था ना उसी से क्वेश्चन लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिविजन फर्स्ट क्या पूछा है ट्रू मतलब, क्या है फॉल्स नहीं पूछा है second, social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people. third, people belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their group. fourth, all of the above. write down your answers. answer. all of the above. lagirata. सोशल डिफरेंसिज नाट डज नॉट डी टू सोशल डिविज़न ठीक है सोशल डिविज़न कौन क्रिएट करता है सोसाइटी क्रिएट करती है सोशल डिफरेंसिज नहीं क्रिएट करता है ओके सोशल डिफरेंसिज डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट ठीक है पॉजिटिव स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम गलत नहीं होता है people belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundary matlab social uh, jo different society, society mein ek hi society mein different social groups hain they are tolerant toward other social groups other groups to matlab kya hai ye high tolerance power dikha rahi hai high tolerance power kya Secular nation को promote करता है मतलब इट्स अ positive statement। तो दो statement अपन को मिल गया पॉजिटिव है अब दो तो एक क्वेश्चन में सही हो नहीं सकते हैं तो ऑल ऑफ द अब अपने पास बचता है okay?

राइट रिजर्वेशन लाया था कितना रिजर्वेशन लाया था वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज वन थर्ड वन थर्ड ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत लोकल बॉडीज लोकल बॉडीज दो टाइप्स के होती है पंचायत इन रूरल एरियाज़, म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वन थर्ड एज इन थर्टी थ्री परसेंट सीट्स ओके क्स्ट क्वेश्चन डैश यूज टू सेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कौन कहता था कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं है ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मज बी गाइडेड बाई एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है डेफिनेटली आ सकता है ठीक है मैंने क्या बोला था ये गांधी गांधी जी जी है, religion है and इसकी जो कॉमन बाउंड्री है डायग्राम में गांधी जी ये वाला जो है इंडिया ओके okay? डायग्राम से याद कर लेना बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया के बताया गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला था क्योंकि गांधी जी को लगा कि रिलीजन आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बेसिक वैल्यूज एथिक्स आपको टीच uh, करता है एन एग्जाम्पल मैंने आपको किसका बताया था फर्स्ट में रामायण का हिंदुजम में रामायण में आपने सुना होगा राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं किसी रीजन की वजह से बिकॉज ही वाज एक्चुअली अ ग्रेट लीडर एज वेल तो क्यों बोलते उन्हें एज अ ग्रेट लीडर तो ये, ये क्या है अपनी माइथोलॉजिकल बुक है रामायण रामायण की एक बुक है उसमें क्या बोलते हैं कि जब रा, राम जी को एक सिचुएशन दी गई कि उन्हें सीता जी को चूज करना है या फिर अपनी प्रजा की बात सुननी है तो वॉट ही डेड उन्होंने उन्हें, उन्हें सीता जी का त्याग कर दिया था फॉर ऑब्वियसली पॉलिटिकल रीजन्स क्योंकि उनके लिए प्रजा ऐसा नहीं है कि बढ़कर थी ऐसा कुछ बट उनकी ड्यूटी टूवर्ड्स उनकी जो प्रजा थी वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे थी बिकॉज ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर फर्स्ट क्यों पॉलिटिकल लीडर फर्स्ट बिकॉज जब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इंटरमिंगल हो जाते हैं तब यू नीड टू क्लासिफाई योर प्रायोरिटीज आपको इतने सारे लोग इलेक्ट करके एक पॉलिटिकल लीडर बना रहे हैं तो वो कुछ उम्मीद से ही बनाते होंगे और अगर आप उनकी उम्मीद पे कर्म खड़े नहीं उतरते हो तो वो आपको एलिमिनेट भी कर देते हो दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो दूसरे ईयर हर पाँच साल में इलेक्शन होते हैं तो किसी और को चूज कर सकते हैं राइट तो दैट्स वाई फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने हिंदुइज़म में रामायण से दिया था सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया था रामायण में राम जी क्या टीच करते हैं गांधी जी का ये था कि राम जी पॉलिटिकल एथिक्स मॉरल वैल्यूज टीच करते हैं कि प्रजा की नीड्स एंड आपको एस्पिरेशंस दिमाग में रखना है सेकंड मैंने दिया था जकत का एग्जांपल जो फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम में आता है कि दे इज समर्सेंट टेन परसेंट मान लेते हैं ऑफ द इनकम ऑफ अ मुस्लिम पर्सन दे हैव टू डोनेट टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ लोगों को जिनको जरूरत है तो जकत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मुस्लिम्स जो है अपनी इनकम में से दस परसेंट या पाँच परसेंट जितना भी है वो डोनेट करते हैं टू पीपल हु हु आर आर इन द नीड ऑफ मनी या अदर फॉर्म्स में ठीक है तो ये क्या है रिलीजन से एग्जाम्पल्स चूज किए गए मैंने हिंदुज्म से एग्जाम्पल राम जी का लिया ठीक है मुस्लिम से मैंने एग्जाम्पल जक़ात का लिया पाँच पिलर्स ऑफ इस्लाम में तो आपको एथिक्स टीच कर रही हैं तो ऐसे याद रखना कि गांधी जी सेड कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते हो बिकॉज बिकॉज रिलीजन आपको कुछ मॉरल्स वैल्यू एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स सिखाता है जो एज अ आपको पॉलिटिकल लीडर एंड एज अ पर्सन आपको अच्छे एक इंसान बनने में भी हेल्प करता है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डैश आर दोज लॉज दैट डील विथ फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज डाइवोर्स अडोप्शन इनहेरिटेंस याद करो ग्लॉसरी में एक टर्म मैंशन था लॉस में बहुत ही अच्छा टर्म पेंशन था और मैंने इन सब के मीनिंग आपको अच्छे से समझाए थे कि मैरिज जैसे हिंदुज्म में सप्त पंथ मैरिज होती है कि सात फेरे होते हैं तब जाके एक मैरिज कंसिडर होती है मुस्लिम में आप तीन बार कबूले कबूल है, कबूले है, कबूल है, कबूल है बोलते है। तो मुस्लिम्स में तब उनकी मैरिज रिकोगनीशन होती है तो हर एक अब ये क्या चीज़ हुई मैरिज डाइवोर्स अब अगर आप ये नॉर्मली भी देखेंगे ना ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर देंगे कि रिलीजियस लॉस तो हो नहीं सकता ठीक है कि डाइवोर्स रिलीजस में नहीं आएगा ऐसे कम्युनिटी लॉज हो नहीं सकते बिकॉज स्टेट लॉज एंड ऑल एवरी थिंग डजेंट मेक सेंस दीज आर वॉट फैमिली लॉज तो आंसर देखेंगे अपन विच इज फैमिली लॉज बिकॉज फैमिली क्या आपको बताता है फैमिली में क्या क्या चीज़ें होती हैं एक फैमिली में मदर फादर के बीच में मैरिज होती है उनके बीच में डाइवोर्स हो सकता है वो अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे एंड उनके बच्चे प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं ओके okay? moving to next question there is no official religion in dash first option sri lanka second england third pakistan and fourth is india bahut hi easy question main aapko bahut baar bata chuki hu ki apne preamble aap अगर आपको preamble नहीं पता कहाँ है तो अपनी book पलटिए आप जो भी civics की book है history geography starting of the page में आप उसको जहाँ पे पे ऑफ़ सोशल साइंस लिखा रहता है 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 ना उसको पलटेंगे तो ले, लेफ्ट या राइट हैंड साइड एक बना है जहाँ पे लिखा है, तो उसमें जो टर्म है मैंने क्या बताया था सेक्यूलर का मीनिंग सेक्युलर मीन की कंट्री हैज नो नेशनल रिलीजन पाकिस्तान का क्या है इस्लाम इंग्लैंड का क्या है क्रिश्चियनिटी ऐसे श्रीलंका भी का भी एक नेशनल रिलीजन है बट किसका नेशनल रिलीजन नहीं है दैट इज इंडिया का नेशनल रिलीजन नहीं है देरफोर इंडिया इज अ सेक्यूलर कंट्री एंड इट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन मूविंग टू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाव द स्टेटीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज सही लग रहा है मेरे को तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और मैंने क्या बताया था कि इंडिया में क्या फॉलो होता है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म अभी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म क्या होता है सेक्युलरिज्म क्या अभी आपने पढ़ा कि सेक्युलरिज्म इज दैट द कंट्री हैज नो ऑफिशियल रिलीजन और मैंने बताया था कि सेक्युलरिज्म दो टाइप का होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा रिलीजन में कोई सा भी कंट्री कोई सा भी कम्युनिटी कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकती है एंड स्टेट इज लाइक इ नो वी वील नॉट एंटरटेन बेस्ट एग्जांपल इज योर फ्रांस फ्रांस को फ्रांस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने घर में जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करें घर में करें आप बाहर नहीं करें स्ट्रीट्स में ना करें बट इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है इट कैन सपोर्ट डिफरेंट माइनॉरिटी रिलिजन्स मेजोरिटी रिलिजन्स एंड थोड़ा

मूवी भी आर्टिकल की प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस रिलीजन कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पांच चीजें ओके थर्ड ऑप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी मतलब एथिस्ट बनने के लिए भी इजाजत देता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताया था मैंने आर्टिकल ट्वेंटी फाइव है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है एंड इट्स अ फंडामेंटल राइट एंड दीज एक्चुअली आर्टिकल्स आर मेंशन आर्टिकल का नंबर मेंशन नहीं है तो वो याद करने की जरूरत नहीं है आई एम जस्ट मेंशनिंग टेलिंग यू कि आर फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन योर बुक तो यू शुड नो कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो आंसर देखेंगे ऑल ऑफ द अबव ठीक है नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट असेंबली इज A less than 5%, B more than 5%, C more than 10% and more than 20%. इन दोनों को तो आप देख के ही एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अगर आपने भी पता पता था किन्ट्रीज का कंट्रीज का 47 48 परसेंट था उसके बाद अमेरिका फिर यूरोप एंड सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज भी इंडिया से आगे थी एंड इंडिया का बहुत ही कम परसेंटेज था वुमेन रिप्रेजेंटेशन में ठीक है वर्ल्ड ओवर में तो इन दोनों को आप देख के एलिमिनेट कर देना अपने पढ़ा था कि लोकसभा में समथिंग इलेवन परसेंट रिप्रेजेंटेशन है का स्टेट में लेस देन फाइव परसेंट पढ़ा था तो आंसर विल बी लेस देन फाइव परसेंट ओके आर टू कंक्लूड आर लेक्चर आई होप एमसी यूज करने में मजा हो एंड ऐसे ही अपन और सारे क्वेश्चन एंड वीडियो करेंगे सो बी पेशेंट एंड कीप काम एंड की फॉलिंग मैग्नेट ब्रेस मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास टेन के टू क्लास ट्वेल्थ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी मीडियम बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम पांच अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर डेली यू पी बी आर एम बी एंड राजस्थान बोर्ड उसके अलावा हम तीन अदर कोर्ससेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं विच आर वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज दिस इज आर वेबसाइट एंड दिस इज आर एप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल आर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां हम अपने फॉलो कर सकते हैं नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप ई नोट्स एंड ई बुक्स एक्सेस कर सकते हैं थैंक यू फॉर स्टार्टिंग